आजा बच्चों, बेटा एच सी वर्मा से क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 वर्क एनर्जी पावर की रिक्वेस्ट आई है अक्षय बंसल की तरफ से, जो कि मेरठ पब्लिक स्कूल में क्लास 11 के स्टूडेंट है, बहुत ही होनहार है, रेगुलर बेसिस पर एच सी वर्मा करते रहते हैं और मेरे से डाउट पूछते रहते हैं। आप लोग भी यदि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर आपको पहले ही मिल जाता है वीडियो की शुरुआत में। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 28। कोशिश करूंगा कि बेटा एक ही वीडियो में ये तीनों आंसर आपको मिल जाएं, बशर्ते ज्यादा लंबी वीडियो नहीं हुई तो। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है 28 है बेटा, ब्लॉक ऑफ मास 30 केजी इज बीइंग ब्रॉट बाय द चेन। एक बेटा चेन की हेल्प से, यहाँ कोई चेन है उसके से बांध करके हम एक मास को नीचे ला रहे हैं। ये मास है बेटा 30 किलो का, हम इसको नीचे ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम इसको 2 मीटर नीचे ले आए तो इसकी वेलोसिटी बढ़ करके हो गई है, 30 केजी की वेलोसिटी हो गई है बेटा 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी बेटा 0.4 मीटर पर सेकेंड। मैं बेटा एक बात बताओ, तुम जानते हो शुरू की पोटेंशियल बाद की काइनेटिक के बराबर होनी चाहिए, यदि ऐसा नहीं है तो गड़बड़ है। यहां से चला था ए से यहां पहुंचा, तो ये बताओ कि जब ये चला था तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लेकर के चला था। तो जवाब है इसने यहां से यहां तक आने में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कर दिया, मैं इसे ग्राउंड लेवल मान लेता हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, यानी मास था 30, g की वैल्यू 9.8 और हाइट की वैल्यू 2 मीटर, तो ये हो जाएगा बेटा 60 × 9.8, तो कितना हो गया बेटा 6 × 98, 588 जूल। तो रूल के हिसाब से यदि कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, कोई और फोर्स नहीं है, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसने खोई है कायदे में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसे बी पॉइंट पर मिलनी चाहिए। मैं अब निकाल के देख रहा हूं बेटा आप लोगों के सामने क्या काइनेटिक एनर्जी इसको मिलती है। हाफ 30 × 0.4 का स्क्वायर, 0.4 इसकी वेलोसिटी हो चुकी है। तो बेटा ये क्या होगा, ये होगा बेटा हाफ इंटू 30 × 0.16, तो कितना हो गया बेटा 30 × 0.08, 2 से 0.16 काट दिया तो ये हो गया बेटा 2.4 जूल। कुछ गड़बड़ नहीं लग रही, शुरू में बेटा पोटेंशियल कितनी थी 588, बाद में काइनेटिक होनी चाहिए थी 588, लेकिन निकली है 2.4 जूल। तो कोई तो फोर्स है जो इसकी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस कर रहा है बेटा, वो है डोरी का टेंशन। एक बात बताओ, जिस समय इसका वेट इसे नीचे खींच रहा था उस समय टेंशन इसे नीचे जाने से रोक रही थी, आप लोग बहुत न्यूमेरिकल कर चुके हो टेंशन के, तो उसने इसकी काइनेटिक एनर्जी को रिड्यूस करा है। तो कितना वर्क डन किया है बेटा, तो वर्क होता है कितना लॉस हुआ एनर्जी का, बची है 2.4 जबकि शुरू में थी 588, तो माइनस कर दे तो हमारे को मिल जाएगा कि भाई कितना इसमें एनर्जी का लॉस हुआ, क्योंकि जो एनर्जी का लॉस है वही वर्क डन है। तो 2.4 माइनस 588, ये आंसर 28 का दे रखा है इन्होंने भाई, माइनस 586, तो माइनस 586 वो उन्होंने राउंड ऑफ कर लिया होगा, जी की वैल्यू को हमने बेटा 9.8 ले लिया, उन्होंने 10 ले लिया होगा। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए कि ये कैसे निकाले जाते हैं, हम लोग जी की वैल्यू में कई बार डिफर कर जाते हैं, जी की वैल्यू वो 10 ले लेते हैं हम 9.8, या हम 10 ले लेते हैं वो 9.8, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेथड समझ में आ गया, शुरू में आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, बाद में पोटेंशियल निकाल ली है, बाद में काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है, और दोनों निकालने के बाद आपने डिफरेंस निकाल लिया है, और जो डिफरेंस है वो निगेटिव है। अच्छा आखिरी बात बोल करके ये क्वेश्चन खत्म, निगेटिव डिफरेंस क्यों आया, तो जवाब है क्योंकि टेंशन ने मोशन को अपोज किया, यदि कोई फोर्स मोशन को अपोज करता है तो बेटा उसका वर्क डन निगेटिव होता है। अगला डाउट आपका है क्वेश्चन नंबर 29, उससे पहले मैं एक फॉर्मूला बता दूं, हमारे दो फॉर्मूले हैं s = ut + ½ et² और d = u + ½ a,
टू एन माइनस वन, ये आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, और नहीं तो मेरे मोशन इन वन डायमेंशन की वीडियो देख लीजिए, मिल जाएंगे। ये फॉर्मूला तब लगता है यदि कोई कहे कि 5 सेकंड में कितना चला, 10 सेकंड में कितना चला, 15 सेकंड में कितना चला, तो टाइम को 5, 10 या 15 रख के डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला तब लगता है यदि मुझसे कोई कहे 5वें सेकंड में कितना चला, 4थे सेकंड में कितना चला, 10वें सेकंड में कितना चला, तो हम एन को जो भी दिया जाएगा, जैसे 10वां सेकंड कहा तो एन को 10 रख देंगे, 5वां सेकंड कहा तो एन को 5 रख देंगे। अब मैं शुरू करता हूं। हैवियर ब्लॉक इन एटवुड मशीन, बेटा एटवुड मशीन इसी को कहते हैं जिसमें एक पुली के ऊपर से डोरी जाती है और उसमें दो मास लटके रहते हैं। तो ये हमारी एटवुड मशीन है, परेशान मत होइए, एटवुड मशीन सिर्फ नाम में अंतर है, बाकी कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि हैवियर मास लाइटर वाले का डबल है, यानी कि ये मास यदि एम है तो ये मास बेटा 2m है। अब कहते हैं बेटा टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 16 न्यूटन, बेटा डोरियो में टेंशन जो है 16 न्यूटन की है, यहाँ भी और यहाँ भी। वेट 2mg है और इसका वेट mg है, ऑब्वियसली ये वाला मास नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से और ये मास ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। मैं आगे बढ़ने से पहले जरा मास और एक्सेलरेशन निकाल दूं, फिर मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन आगे। बेटा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी, तो जवाब है 2mg minus 16 is equal to 2ma। और इसकी क्वेश्चन क्या बनेगी बेटा, इसकी बनेगी बेटा 16 minus mg is equal to ma। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन बन गई है कि भाई ये दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले ए को इलिमिनेट कर रहा हूं जिससे मास आ जाए। तो आप क्या करना है, इस इक्वेशन को डबल करके, इस इक्वेशन को डबल करके सब्ट्रैक्ट कर देना, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो फिर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मेरे बेटा क्या बचेगा, ऊपर वाली इक्वेशन मैं लिख रहा हूं तो वो तो रहेगी 2mg minus 16 is equal to 2ma, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ। ये इक्वेशन हो जाएगी -2mg plus 32 is equal to 2ma। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस ये 2ma कट गया। एक बार फिर से देखिए बेटा, 16 minus mg is equal to ma को डबल कर दिया है, तो माइनस का 2mg पहले लिख दिया, प्लस का 32 बाद में लिख दिया, और इसका डबल, अब साइन चेंज हो गए। तो साइन चेंज होकर के क्या बचेगा, 4mg minus 48, 4mg क्योंकि ये प्लस हो गया है, -48 is equal to 0, तो 4mg की वैल्यू हो जाएगी 48 और mg की वैल्यू हो जाएगी कितने, 12। तो वेट मैंने निकाल लिया 12 न्यूटन। अच्छा बेटा जब वेट आ जाएगा तो मास भी आ जाएगा, जी को मैं तो देख 10 मान के कर रहा हूं, तो माइन्यूट सा आंसर में डिफरेंस आपको मिलेगा। आप घर पे बैठ के जी को 9.8 लेके कर लेना, तो जी को 10 मान ले तो ये हो गया बेटा 1.2 kg, जी को 10 मान लिया। अब इसे किसी भी एक में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, मान लो बेटा मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, चाहे सेकंड में पुट कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे बेटा ये क्या था, 2mg minus 16 is equal to 2ma, तो मेरे बेटा इस इक्वेशन को जरा लो दोबारा से, चाहे दूसरी ले लो या पहली, तो बताओ ये वाली इक्वेशन ले रहा हूं मैं, 2mg minus 16 is equal to 2ma। अब जो मालूम है वो पुट कर दो बेटा, मास मुझे मालूम है 1.2 और जी मालूम है 10, मतलब एमजी है 12, तो 12 to the 24 minus 16 is equal to 2, मास है बेटा 1.2, एक्सेलरेशन है ए, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 24 माइनस 16 तो 8 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा बेटा 2.4। सॉल्व करके आप निकाल लोगे बेटा व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, दोनों क्वेश्चन बना करके सॉल्व करके मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू पता कर ली है, मैंने मास की वैल्यू पता कर ली है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने असली मुद्दे पर। वो पूछ रहे हैं बेटा कि यहां पर बताइए, फाइंड द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड। वो कह रहे हैं पहले सेकेंड में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कितने की, तो बेटा मुझसे क्या कह रहे हैं कि वो फर्स्ट सेकंड में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी कमी आई। तो बेटा एक बात बताओ, जब ये भारी वाला मास 2m नीचे क्या होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई होगी, ये वाला ऊपर क्या होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी,
तो टोटल इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि इस वाले की कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, फिर उसी समय पता लगाना पड़ेगा इसकी कितनी बढ़ी। तो मान लो बेटा जितनी कम हुई, सपोज करो 50 जूल कम हुई और 10 जूल बढ़ गई, तो अल्टीमेटली तो लॉस 40 जूल का कहलाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे ये तो पता चले कि ये हाइट कितनी चलेगा, पहले सेकंड में कितना चलेगा। तो बेटा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, बेटा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, g नहीं यहाँ लगाऊंगा a लगाऊंगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u जीरो है, क्योंकि बेटा ये g एक्सेलरेशन से थोड़ी गिर रहा है, ये तो a एक्सेलरेशन से गिर रहा है, तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, s की जगह तो रख दोगे h की कितनी हाइट चला, u रख दोगे जीरो, एक्सेलरेशन रख दोगे बेटा 8/2.4, तो हाफ इंटू 8/2.4 और टाइम रख दोगे 1 सेकंड, तो आपको पता चल जाएगा पहले सेकंड में कितनी हाइट चला है, ये कितनी डिस्टेंस चला है। अब मैं निकालता हूं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। एक तो बेटा ये नीचे आ गया, तो इसने पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किया mgh, लेकिन मास है 2mgh, इसने लॉस किया, लेकिन इसने गेन कर लिया, तो भाई हमें तो लॉस निकालना है, तो लॉस में से जो गेन हुआ वो माइनस कर दो, अल्टीमेट लॉस तो यही होगा। तो कितना गेन किया, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, तो h कितना ऊपर गया, तो मैं फिलहाल तो h ही लिख देता हूं, तो ये हो गया 2mgh माइनस mgh, तो ये बन जाएगा बेटा mgh। अब इसमें बेटा mg की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल रखी थी, mg पूरा 12 है और h की वैल्यू हाफ इंटू 8/2.4 है हमारे पास, तो यहां पर क्या हो रहा है, तो ये तो हो गया 12 और ये हाफ इंटू दिस, तो जरा थोड़ा सा सॉल्व करो, 2 4 8 12 2 24, तो ये 0.2 हो गया, 0.2 से डेसिमल हटाया तो 40 आ गया, तो हमारा आ गया 40/2 यानी 20 जूल, ये आ गया। अच्छा आंसर रियल में क्या दिया हुआ है, रियल में आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 19.6 जूल, और मैं पहले से बता रहा हूं बेटा ये हमारा बिल्कुल सही आ गया है, क्योंकि हमने जी को 10 लेकर के करा है, आप 9.8 से करोगे तो 19.6 आ जाएगा। तो फाइनली ये क्वेश्चन 2 स्टेप का था, पहले ये पता लगाया कि भाई टेंशन और एक्सेलरेशन और वेट, सॉरी एक्सेलरेशन और वेट क्या है, जब वो पता चल गए एक्सेलरेशन और वेट वही पुराने तरीके से इक्वेशन बना के, फिर पता लगाया कि इतने एक सेकंड में डिस्टेंस कितनी चलेगा, जब पता चल गया कि एक सेकंड में डिस्टेंस कितनी चलेगा, तो इसने पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना किया और इसने गेन कितना किया, तो जो हमें निकालना था लॉस, तो लॉस में से गेन को माइनस करके हमें अल्टीमेट लॉस पता चल गया, वो है हमारा 20 जूल। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बेटा, ये भी एटवुड मशीन का ही क्वेश्चन है, एटवुड मशीन मतलब आप आगे से याद रखना पुली वाले क्वेश्चन। तो इस पुली वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अभी पढ़ता हूं जरा बोर्ड क्लियर कर लूं आप लोगों के लिए। इस वीडियो में बेटा कई बार ड्रामा हो गया, पहले मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी, क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूरा करवा दिया, बीच में जाकर के मैंने कैमरे पे देखा, आपको मालूम है कैमरामैन मैं ही हूं, पता चला कि इसकी बैटरी खत्म हो गई थी, पूरा करवाने के बाद मैंने फिर उसे दोबारा से स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद दोबारा चार्ज करके रिचार्ज करके स्टार्ट करने के बाद फिर पढ़ाना शुरू किया, जब पढ़ाना शुरू किया थोड़ी देर बाद फिर जाके देखा रिकॉर्डिंग रुकी हुई है, मुझे पढ़ाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, उस समय एसडी कार्ड फुल हो गया था, कल से मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई थी और मोबाइल को खाली नहीं किया, तो एसडी कार्ड फुल हो गया, मैं फिर रुक गया, फिर आकर के मैंने फिर तीसरी वीडियो तीसरी बार बनानी शुरू करी, और खैर 28 और 29 क्वेश्चन तो पूरे एक्सप्लेन कर दिए, 30th क्वेश्चन आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख जाएगा, ये देखिए 30वां क्वेश्चन है, उल्टा दिखाई दे रहा है पूरा, इसकी वीडियो मैंने पढ़ाता चला गया, आंसर तक सब निकालता चला गया, लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ, मैं रिकॉर्डिंग का स्विच ऑन करना भूल गया, तो अब लगता है मुझे थोड़ी देर का गैप ले लेना चाहिए, आप 28 और 29 ही पढ़ लो, 30th की मैं दोबारा से एक वीडियो बना करके डालूंगा, फिलहाल के लिए गुड बाय।